है, मैं हूँ आपके साथ कुछ। आप सभी जानते हैं बिहार में ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफाई अभियान लगातार जारी किया जा रहा है। सफाई के लिए कई तरह तरह के नुस्खे और कई तरह तरह की चीज़ें दी जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान जितना जल्दी हो सके इसे सफल बनाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है ये कोशिश लगातार उनके द्वारा जारी है। एक पहल और एक कोशिश, एक और नई कोशिश उनकी जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि पटना ही नहीं, पटना जैसे जितने भी शहरी एरिया हैं, सभी शहरी एरिया में गाड़ी चलाया गया था कचरा के लिए। गाड़ी आपके घर तक जाती है और आपके कचरा को ले जाकर दूर फेंकती है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी पहल थी। पहले देखा जाता था कि शहरों में कचरा हर जगह ढेर लगा पड़ा रहता था, लेकिन अब उस चीज़ में कमी नज़र आ रही है, जिसके कारण आप जानते होंगे कि कचरे की गाड़ी आपके पास आती है और कचरा को लेकर जाती है। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग उसमें लगाया गया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप सभी बखूबी उसको जानते होंगे। एक और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल की गई है बिहार सरकार के द्वारा। हमारे बिहार में है ये, तो हम यही कहेंगे। आप ये डब्बा देख रहे होंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। अभी तक आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे रास्ते में, एटीएम मशीन देखे होंगे, पानी का मशीन देखे होंगे, वाटर कूलिंग का मशीन जगह जगह पर लगाया जाता है। ये एक और नई चीज़ आज आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आप गौर से देखिए और इसमें क्या लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, यहाँ पे बहुत सारा साइन है। आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये जो है बिहार सरकार के द्वारा गंदगी को रोकने की एक और बहुत बड़ी पहल है। भाई साहब इधर आइएगा जरा, आइए हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे एक भैया हैं, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। राहुल, अच्छा आप यहीं पे रहते हैं? जी है। अच्छा ये डब्बा के बारे में बताएंगे, ये क्या है और क्यों लगाया गया? में जो है बोतल लाइएगा ना, तो जो पुश करके कूपन निकलता है, कूपन में आपको 4% रेट कोई भी सामान लीजिएगा, सुविधा जो तो है सब है, पेटीएम है, बहुत ऐसा ऑप्शन आता है उसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। अच्छा क्यों लगाया गया है ये, आपको जानकारी? कचरा जो इन्होंने फैलाया था उससे अच्छा काफी पब्लिक को भी सुविधा अच्छा मिलेगा और यात्रा भी करेगा ना उसमें। अच्छा इसमें डब्बा कचरा डालेंगे और उससे कूपन मिलेगा? हाँ सच में। अपना ये बोतल इनका कहना है कि इसमें कचरा डालेंगे और डब्बा डालने पे, डब्बा या फिर जो भी यूजलेस पॉलिथीन हो डब्बा हो उसको डालने पे यहाँ से कूपन मिलेगा। जरा दिखाएंगे भैया कैसे इसको डालने से कूपन मिलता है। हाँ अब आप देखिए कि ये डब्बा इन्होंने इसमें डाल दिया। हमारे पास एक यूजलेस बॉटल था, जैसे कि हम लोग अभी भी गर्मी का समय है, हजारों लाखों लोग पर डे कोई स्प्राइट पीते होंगे, कोई ठंडा पानी पीते होंगे। आप देखिए इसमें किस प्रकार बॉटल इन्होंने डाला है और अब देखना ये है कि बॉटल डालने पे क्या होता है। अब देख सकते हैं भैया ने बॉटल डाला है। बॉटल डालने के बाद क्या करना है भैया यहाँ पे? अब स्क्रीन जरा स्क्रीन पे लाइएगा कैमरे को और देखिएगा कैमरे पे लोडिंग ले रहा है। अपडेट ले रहा है इनका सिस्टम। ये बॉटल डाला, बॉटल का क्या अंदर में क्या प्रोसेस है, अंदर में क्या मशीन है? अंदर में उसको डिफ्यूजर कर देता है और उसे जमा कर देता है बॉक्स में। इसमें आपको जमा कर देता है। अच्छा तो ये बॉटल या फिर सिर्फ बॉटल ही है, और क्या क्या सामान इसमें डाला जा सकता है? कैरी बैग सब चम्मच इतना होता है ना सर, उसमें प्लास्टिक की चीजें चल जाएगा आपका। इसमें भी कूपन निकलता है, कैरी बैग में नहीं उसमें भी कूपन निकलता है, उसमें भी लेस होता है। अब आप देखेंगे इन्होंने बॉटल डाला, ये बॉटल इस मशीन के द्वारा डिफ्यूज होगा। जरा कैमरा सामने लाइएगा आप। अच्छा यहाँ पे अपना नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर डालना होता 6200। यहाँ पे नंबर डालकर नेक्स्ट किया हमने। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये इतना सारा आ गया, ये पेटीएम जोमेटो मान के चलो मैंने स्विगी किया। अभी देखते हैं कि अभी क्या होता। अरे वाह ये देखिए जरा तो कैमरे को दिखाइएगा, ये निकल के आया है। मैंने अभी अभी इसमें डाला था। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप मिनिमम ऑर्डर राइस 149, अगर आप 149 अमाउंट का ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको 12 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन से। ये देखिए बहुत ही, ये आपका नंबर है, इस नंबर का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। ये मैंने स्विगी डाला था, मैंने यहाँ पे
ऑप्शन था, स्विगी था, जोमेटो था, पेटीएम था, जिन्हें जो पसंद हो आप उसका इस्तेमाल करके ये कूपन पा सकते हैं और इस कूपन से आप फ़ायदा ले सकते हैं। पेटीएम से, फ़ोनपे वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, जो भी ऑनलाइन की चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं वहाँ पे आप बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो ये है इनका सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से पहली बात तो आप अपने शहर को और आप अपने एरिया को स्वच्छ रख सकते हैं और दूसरी बात कि आपको बेनिफिट्स दे रहा। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा सुविधा आपको और कहीं मिल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा डालिए और बदले में कूपन पाइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत पहल है। आप भी आइए और एक बार ज़रूर इसको आजमाइए। बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ है और प्लस में आप अपने शहर को, आप अपने एरिया को स्वच्छ भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे भी है और एक दो जगह और पटना में लगाया गया है। और इन्होंने अभी जानकारी दी, ये भाई साहब जो इनके ऑपरेटर है, उन्होंने बताया कि और 3-4 जगह पटना में लगने वाले हैं। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कौन से जगह पर। जरा आइएगा इधर भैया, कौन से जगह पे अभी ये अवेलेबल है? अभी मौर्य लोक में लगा, बुरो चौहार पे लगा, तीन जगह और लगने वाला, लगने वाला है। तीन जगह लगने वाला, उसको बताया नहीं गया। अच्छा, बताया नहीं गया, मतलब दो जगह तो ये लग चुका है और बाकी 2-3 जगह लगने वाला है। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये पहल उन्हें कैसी लगे, कैसा लगा। क्या नाम हुआ दी आपका? रुचि। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। अच्छा, ये जो डब्बा देख रही हैं, ये कचरा डालो और कूपन पाओ, मतलब सरकार के द्वारा ये लगाया गया है, कैसा लग रहा है ये जानकर? बहुत अच्छा है, जनता लोग की सुविधा के लिए लगाया गया, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए लोगों को? क्या करना चाहिए, मतलब इसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, लगता है कि क्या इससे पहले भी कचरे की गाड़ी चली थी जो घर तक जाके आप लोगों का कचरा उठाती थी और दूर ले जाकर फेंकती थी? ये भी बहुत अच्छी पहल थी, ये दूसरी अच्छी पहल है। क्या लगता है कि लोग इस पहल का फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा करेंगे? पता नहीं, लोग उठाना तो चाहिए, लोग का अपना अपना सोच है, अपना नज़रिया है अपना। अच्छा, आप करेंगी? हाँ करेंगी। हाँ चलिए, तो देख सकते हैं कि लोग भी इस पहल से कहीं ना कहीं खुश है, अच्छा लग रहा है उन्हें जानकर। देखिए, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी पहल है हमारे बिहार सरकार की और ये जितना ज़्यादा जगह पर मौजूद हो, आई होप कि उतना ही अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें अगर आ रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी, तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, लाभ उठाएँ और अपने शहर को स्वच्छ रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से एक खबर लेकर।